8 अक्टूबर को गौरव सिंह सावंत नाम के व्यक्ति ने ट्विटर पे एक पोस्ट करा जिसमें उन्होंने दावा किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2017 में गवर्नमेंट लॉयर्स को 48 करोड़ रुपीज एज अ फी दिया था सोल्जर्स डिसेबल्ड सोल्जर्स और उनकी विडोज के खिलाफ केस लड़ने के लिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, What a waste of 48 crores and which government battles its own soldiers and that too disabled soldiers. This must be audited and whichever bureaucrat ordered this, he, she must be made to pay. Shameful and appalling. सबसे पहले ये क्लेम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर नवदीप सिंह ने किया था. खबरबार.com नाम की एक न्यूज वेबसाइट ने भी इस रिपोर्ट को अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया था और फेसबुक पे भी कई लोगों ने इस पोस्ट को शेयर किया. इस पोस्ट के साथ जो एक इमेज शेयर करी जा रही है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 5 में ये क्लियरली मेंशन है कि सरकार ने गवर्नमेंट काउंसिल और लॉयर्स पे 48 करोड़ रुपीज एज अ फी दिया है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए. पर इसमें ये कहीं भी नहीं मेंशन है कि ये केस सोल्जर्स या फिर डिसेबल्ड सोल्जर्स के खिलाफ लड़े जा रहे थे. इससे ये साफ होता है कि जो ये दावे किए जा रहे हैं वो मिसलीडिंग है और उनमें कोई सच्चाई नहीं है.